39 देखिए, ए रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस देन इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो देखिए, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात कर दिया ना, तो यहाँ इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दे, हमारा काम हो जाएगा। 3 माइनस का 4 आयोटा एक्स बाई में है, 3 प्लस का 4 आयोटा एक्स इक्वल टू में ए माइनस का आयोटा बी। हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं और इसका कंजुगेट देखते हैं। 3 प्लस का 4 आयोटा एक्स और बाई में 3 माइनस का 4 आयोटा एक्स इक्वल टू में ए प्लस का आयोटा बी हो जाएगा। इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टली लिखो ना, बाई में 3 प्लस का 4 आयोटा एक्स इंटू में 3 प्लस का 4 आयोटा एक्स बाई में 3 माइनस का 4 आयोटा एक्स इक्वल टू में ए माइनस आयोटा बी इंटू में ए प्लस का आयोटा बी। यहाँ देखिए इससे कट गया, ये इससे कट गया, वन आ गया, इधर वन इधर हो गया और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, तो यहाँ जाएगा ए वन इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, वन के, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन।